This London Top video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में, 24/7. CoinSwitch Kuber डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो. सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल. ट्रेड कर बेफिकर. साल 2017 जून का महीना, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा रही थी. भारत और पाकिस्तान का ऐतिहासिक फाइनल. हार्दिक पांड्या की लाख कोशिश के बावजूद सरफराज की टीम ने ट्रॉफी को भारत से छीन लिया. उसी चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीकी टीम एक बार फिर से चोकर्स का ठप्पा लेकर बाहर हो गई थी. टीम की आईसीसी टूर्नामेंट में एक और हार हुई तो एबी डिविलियर्स ने वनडे टीम की कप्तानी छोड़ दी. इसी समय के आसपास एक खिलाड़ी हताश निराश होकर दक्षिण अफ्रीका से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकलने की सोच रहा था. उस खिलाड़ी ने अगस्त के महीने में डोमेस्टिक क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया और उसके बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी, कार और उस मुल्क से जुड़ा सब कुछ बेच वहां से चला गया. बहुत सारे सवाल जहन में आ रहे होंगे, वो खिलाड़ी कौन था, आखिर उसने ऐसा किया क्यों और वो कहां गया. चलिए आपको डिटेल में सब कुछ बता देते हैं. ऐसा करने के पीछे की बड़ी वजह थी अपने देश के लिए ना खेल पाना. अब वो खिलाड़ी साउथ अफ्रीका को छोड़कर न्यूजीलैंड जाना चाहता था, क्योंकि जिस मुल्क में टैलेंट की कदर ही नहीं हुई, वहां रहकर भी क्या ही फायदा. ये कहानी है 30 साल के पड़ाव पर खड़े कीवी बल्लेबाज डेवन कोनवे की. लॉर्ड्स के ओनर बोर्ड का सुख हर बल्लेबाज को नसीब नहीं होता. कुछ सौरव गांगुली जैसे होते हैं जो पहली पारी खेलने उतरे और बोर्ड पर अपना नाम अमर कर जाते हैं, जबकि कुछ सचिन तेंदुलकर जैसे होते हैं जो ताउम्र सब कुछ हासिल करके भी इस बोर्ड पर खुद का नाम नहीं छपवा पाते. डेवन कोनवे सौरव गांगुली जैसे हैं. पहले मैच में ही इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी बैटिंग कर डाली कि साउथ अफ्रीका के सिलेक्टर्स इस टैलेंट को खोने पर सिर पर हाथ रखे बैठे होंगे. इस कहानी को रिवाइंड करके 2009 में चलते हैं. डेवन कोनवे का जन्म साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग ट्रांसवाल में हुआ. यहाँ पर अपने क्रिकेटिंग आइडियल्स को देख वो भी साउथ अफ्रीकी टीम के लिए क्रिकेट खेलना चाहते थे. क्रिकेट की शुरुआत भी हो गई थी 18 साल की उम्र में. साल 2009 में उन्होंने लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू कर लिया. लेकिन यहाँ पर उनके बल्ले ने वो कमाल नहीं दिखाया जिससे उन्हें नेशनल टीम में जगह मिले. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहले दोहरे शतक के इंतजार में कोनवे ने 8 साल लगा दिए. 2009 में डेब्यू करने वाले कोनवे का पहला फर्स्ट क्लास दोहरा शतक साल 2017 में आया. उनका एक दोहरा शतक प्रोविंशियल स्तर पर गॉटिंग टीम की ओर से खेलते हुए आया था. प्रोविंशियल स्तर पर तो कोनवे का प्रदर्शन शानदार था, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी घरेलू क्रिकेट में प्रोविंशियल क्रिकेट को दूसरे दर्जे का स्थान हासिल है, यानी भारत के हिसाब से समझे तो अपने डोमेस्टिक लिस्ट ए क्रिकेट से नीचे वाला, जबकि नेशनल टीम में आने के लिए आपको इससे ऊपर के स्तर पर प्रदर्शन करके दिखाना होता है. यहाँ उनका बल्ला ज्यादा नहीं चल पा रहा था. शीर्ष स्तर पर वो लॉयंस टीम के लिए खेले, प्रोविंशियल जैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा पाए. इसकी गवाही उनके आंकड़े भी देते हैं. दक्षिण अफ्रीका को जब उन्होंने अलविदा कहा तो उनके नाम 12 मैचों में 21.29 की औसत थी, जिसमें उनके नाम सिर्फ एक अर्धशतक था. हालांकि डेवन को लगता था कि उनको घरेलू क्रिकेट के शीर्ष में ज्यादा मौके नहीं मिले. उन्होंने एक बार कहा था, मैं हमेशा टीम से अंदर बाहर होता रहा, मेरा स्थान कभी भी फिक्स नहीं होता, यहाँ तक कि मैं हमेशा अलग अलग बैटिंग पोजीशन पर खेला. T20 में मैं ओपनर था तो वनडे में नंबर 5. 4 दिवसीय मैचों में तो मुझे तब प्लेइंग 11 में रखा जाता था जब कोई नहीं खेल रहा होता था. डेवन कोनवे के सामने अब 3 रास्ते थे, या तो दक्षिण अफ्रीका में रहकर बेहतर मौके का इंतजार करें, या फिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में से किसी एक देश चले जाएं, जहां जाकर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के सपने को पूरा करने की कोशिश करें. कोनवे साउथ अफ्रीका छोड़ने से पहले भी इंग्लैंड में हर साल डोमेस्टिक लीग खेलने जाते ही थे, तो वहां जाकर खेलना बहुत मुश्किल नहीं था. लेकिन न्यूजीलैंड में उनके 2 दोस्त थे, मेलकम नफाल और माइकल रिपन. इन दोनों ने कोनवे को कन्विंस किया कि यार आ जाओ न्यूजीलैंड में आकर ही क्रिकेट खेलो. बस फिर दोस्तों के कहने पर कोनवे ने अगस्त 2017 में साउथ अफ्रीका से वेलिंगटन की फ्लाइट पकड़ ली. उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपना सब कुछ बेच दिया. इसके पीछे का कारण कोनवे ने बताया कि वो ना तो वो सब यहाँ ला सकते थे और ना ही वो पिछला कुछ भी याद रखना चाहते थे, क्योंकि इससे उनके दिमाग में चलता रहता कि क्या उन्हें वापस चले जाना चाहिए. वेलिंगटन पहुंचने के बाद कोनवे के सामने क्रिकेट खेलने के अलावा खाने पीने का जुगाड़ करने की भी समस्या थी, क्योंकि यहाँ पर जीवन चलाने के लिए उनके पास कोई नौकरी नहीं थी. इसलिए उन्होंने विक्टोरिया यूनिवर्सिटी क्रिकेट क्लब में खिलाड़ी के अलावा कोचिंग का काम भी पकड़ लिया. 2017 में जब कोनवे वेलिंगटन पहुंचे तो उन्हें वेलिंगटन की टीम में खेलने का इंतजार था. किस्मत ने साथ दिया और वेलिंगटन टीम के ओपनर टॉम ब्लंडन को नेशनल टीम से टेस्ट के लिए कॉल आई.
वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट खेलने पहुंच गए। उनके जाने पर वेलिंगटन को एक ओपनर की जरूरत थी, बस कॉनवे इस रोल के लिए फिट थे तो उन्हें लिस्ट टीम में पहला मौका मिल गया। इसके बाद आई बारी टी ट्वेंटी में डेब्यू की। टॉम ब्लंडल की तबीयत खराब होती है, इन्हें फोन जाता है कि आप खेलोगे, कॉनवे तुरंत खेलने के लिए हामी भर देते हैं। इसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू के लिए न्यूजीलैंड 11 इंग्लैंड के साथ एक प्रैक्टिस मैच खेलती है, वहां भी खेलने जाना पड़ता है, इन्हें फिर से डेब्यू का मौका मिल जाता है। लेकिन साउथ अफ्रीका में हुई गलती को डेविन ने न्यूजीलैंड में नहीं दोहराया। घरेलू क्रिकेट में टीम में मिले मौकों को डेविन ने हाथ से नहीं जाने दिया, उन्होंने एक के बाद एक कई बेहतरीन प्रदर्शन किए। साल 2019-20 का सीजन तो उनके लिए सबसे यादगार रहा और किवी टीम में कॉल का रास्ता भी। उन्होंने इस सीजन तीनों घरेलू प्रतियोगिता फर्स्ट क्लास में प्लंकेट शील्ड, लिस्ट ए में फोर ट्रॉफी और टी20 में टी20 सुपर स्मैश में इतने रन बनाए कि कोई और उससे आगे ही नहीं निकल सका। न्यूजीलैंड में घरेलू टीम वेलिंगटन फायरबर्ड्स की ओर से खेलते हुए डेविन ने 17 फर्स्ट मैच खेले, जिसमें 72.63 की बेहतरीन औसत से 1598 रन बनाए। इसमें उनकी सबसे खास पारी पिछले साल के अक्टूबर में आई, जब कैंटरबरी के खिलाफ उन्होंने 327 रनों की पारी खेली, जो कि न्यूजीलैंड की सरजमी पर उनके क्रिकेट इतिहास में सिर्फ 8वीं बार हुआ। अब कॉनवे का वो सपना पूरा होने वाला था जिसके लिए उन्होंने घर, देश, प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ दिया था। साल 2020 में उन्हें पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला। कॉनवे ने टी20 क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू किया और 41 रनों की पारी खेली। इसके कुछ ही महीनों बाद बांग्लादेश के खिलाफ कॉनवे ने अपने वनडे करियर का भी आगाज कर दिया। अब तक वो 3 वनडे खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने 1 शतक और 1 अर्धशतक बनाया। साल 2021 में कॉनवे ने टेस्ट क्रिकेट में भी डेब्यू कर लिया। कॉनवे का ये सपना आखिरकार लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ सच हुआ, जहां उन्होंने दोहरा शतक लगाते हुए ना जाने कितने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अपनी डेब्यू पारी में डेविन ने शानदार 200 रन बनाए। उनकी इस पारी में 22 चौके और 1 छक्का आया। इतना ही नहीं, उन्होंने वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में अपना शतक और दोहरा शतक पूरा किया। जब डेविन शतक के करीब पहुंचे तो उन्होंने चौका लगाकर अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। फिर जब वो पारी के आखिर में दोहरे शतक के पास पहुंचे तो उन्होंने बेहतरीन छक्के के साथ इस मुकाम को हासिल कर लिया। इस इंटरेस्टिंग मोमेंट के अलावा उन्होंने अपनी पहली टेस्ट पारी में कई रिकॉर्ड्स बनाए और तोड़े भी। डेविन इंग्लैंड में डेब्यू पारी में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, जबकि वर्ल्ड क्रिकेट में वो सिर्फ 7वें बल्लेबाज हैं जिसने डेब्यू में डबल सेंचुरी बनाई है। लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट डेब्यू करते हुए सबसे बड़ा स्कोर है, जबकि वर्ल्ड क्रिकेट में वो सिर्फ दूसरे ऐसे ओपनर हैं जिसने टेस्ट डेब्यू में दोहरा शतक बनाया है। डेब्यू टेस्ट की इस पारी के बाद डेविन ने अपने उस फैसले को भी सही साबित कर दिया जिसमें उन्होंने अपना घर, गाड़ी और मुल्क सब छोड़कर न्यूजीलैंड चलने का फैसला किया था। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी विपिन ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।